वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में हमारा मेन सेगमेंट का वक्त हुआ जाता है, मतलब कि हमारे गेस्ट सेगमेंट का वक्त हुआ जाता है, जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ ऐसे मेहमानों से जिनसे हम बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। लेकिन आज जो टॉपिक है तौसीक, वो हम दोनों के दिल के, हम सब के दिल के बहुत करीब है। बहुत लोग उससे खुश होंगे, बहुत लोग उससे नाखुश होंगे, क्योंकि एक खुशखबरी आपने सुनाई है कि अब लोगों का लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। ये हम कंफर्म करेंगे, हमारे साथ इस वक्त मेहमान मौजूद हैं। और नाखुश इसलिए भी उसको नहीं कहना चाहिए, नाखुश होंगे इसलिए कि उस नाखुशी में भी आप ही की हिफाजत, आप ही की सेफ्टी और आप ही की खुशी है। बड़े शहरों का मजीद बड़े होते चले जाना, छोटे शहरों का बड़े होते चले जाना, सबसे बड़ा जो चैलेंज लेके आता है वो है ट्रैफिक का चैलेंज, जिससे लाहौर, कराची तो बहुत अरसे से, फैसलाबाद भी, पेशावर का बहुत बड़ा मसला रहा ये ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक, और अब रावलपिंडी इस्लामाबाद भी इस दौड़ में शामिल है पिछले 10-15 साल से। तो हमने सोचा कि नए नए आए हैं तो नए नए ताज़ा ताज़ा SSP ट्रैफिक इस्लामाबाद उमर खान से आपको मिलवाते हैं और इस इन सारे मौजूदात पर बात करते हैं कि ट्रैफिक कितना बड़ा सवालिया निशान है और ट्रैफिक का हल क्या है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, थैंक यू तौसीक भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं कि ये क्या इंटरनेशनली ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इस्लामाबाद बीइंग वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज ऑफ एशिया, इस चैलेंज को आप लोग कैसे देखते हैं? जी तौसीक भाई, बिल्कुल, ये किसी भी बड़े शहर में, स्पेशली जैसे आपने फरमाया कि जब शहर ग्रो कर रहा होता है, इस्लामाबाद इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी ऑफ पाकिस्तान। पॉपुलेशन जो है हमारी, एक जो अभी करंटली एस्टिमेटेड है, दैट इज़ अराउंड वो 3 मिलियन को टच कर गई है। और हमारी इस्लामाबाद में जो ICT में रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं, 12 लाख गाड़ियां सिर्फ इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड हैं, और इसके अलावा बहुत सारी गाड़ियां जाहिर है बाहर की रजिस्टर्ड भी इस्लामाबाद में आ रही हैं। डेली तकरीबन 5 लाख गाड़ियां इस्लामाबाद में एंटर होती हैं डेली, रोजाना 5 लाख। तो इसमें ट्रैफिक का वॉल्यूम क्योंकि इतना ज्यादा है, तो इसमें हमने बेसिकली इसको मैनेज करना होता है, और मैनेज उसको हम मैनेज करते हुए हमारे दो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि ट्रैफिक का फ्लो जो है वो चलना चाहिए, ठीक है, कि कहीं पे ट्रैफिक जैम ना हो, ट्रैफिक कंजेशन जो है वो कम से कम हो ट्रैफिक की वजह से, और हमारा फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक हो। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने ये भी इंश्योर करनी होती है, वो है रोड सेफ्टी। रोड पर आपको पता है इतने लोगों की जाने चली जाती हैं एक्सीडेंट्स में, उसमें बहुत सारी इस वजह से होती है कि हमारी कुछ अपनी गलतियां होती हैं या ऐसे प्रैक्टिसेस होते हैं, रेकलेसनेस होती है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स में लोगों की जान चली जाती है। तो वो भी हमारी रिस्पांसिबिलिटी होती है कि फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक के साथ साथ हम ये भी इंश्योर करें कि हमारी सड़कें जो हैं वो लोगों के लिए महफूज हों और उसमें कैजुअलिटीज़ या किसी की इंजरीज, बॉडीली इंजरीज़, वो कम से कम, लेकिन इसमें ज़्यादातर जो बेसिकली जो ज़्यादातर आप कसूर देखें, बेसिकली अगर देखा जाए तो वो चलाने वालों का होता है, लेकिन क्या उसके बाद क्या रद्दअमल होता है ट्रैफिक पुलिस का? बिकॉज आए दिन बहुत सारे ऐसे पेजेस अब बन गए हैं जहाँ पर आप सोशल मीडिया के थ्रू आपको अपडेट्स आती रहती हैं कि आज ये एक्सीडेंट हो गया, आज वो एक्सीडेंट हो गया, तो दिन में बहुत ज़्यादा अपडेट्स अब ऐसे आनी शुरू हो गए हैं जो कि पहले नहीं आती थी, या फिर शायद अब उस तरह से रिपोर्ट भी नहीं होती हैं। तो इसको किस तरह से केटर कर रहे हैं कि ये जो हादसात हैं ये कम हो सकें? देखिए, एक्सीडेंट जैसे आपने कहा, हमेशा किसी ना किसी की गलती की वजह से होता है ना, किसी गलती, किसी एरर या किसी रैश ड्राइविंग की वजह से हो जाता है, कहीं पे कोई रेड सिग्नल क्रॉस कर लेता है उसके दौरान एक्सीडेंट हो सकता है, ओवर स्पीडिंग की वजह से हो जाता है। अब इसके साथ साथ कुछ ये भी होता है कि उस एक्सीडेंट तो किसी गलती की वजह से हो गया, अब उसमें नुकसान कितना हुआ, कम हुआ या ज़्यादा हुआ, वो अगेन आपकी उस प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। अगर आपने सीट बेल्ट पहनी हुई है, आप गाड़ी चला रहे हो सीट बेल्ट पहनी हुई है, तो आपका नुकसान जो है वो कम होगा, आपकी बॉडीली इंजरी कम होगी। अगर आपने, आप मोटरसाइकिल पे हैं और आपने हेलमेट पहनी हुई है, तो आपकी हेड इंजरी नहीं होगी और आपकी जान बच सकती है। तो अब इन चीज़ों को इन्फोर्स करने के लिए हमारे पास दो बेसिक टूल्स हैं। एक तो है इन्फोर्समेंट, जो आप देखती हैं कि हम हेलमेट पे चालान कर रहे हैं, सीट बेल्ट ना पहनने पे चालान कर रहे हैं, जितनी भी ट्रैफिक वायलेशन है, बेसिकली पेट्रोल पंप पे भी अब पेट्रोल बाइक वालों को नहीं देते जब तक वो हेलमेट ना पहने। तो जितनी भी वायलेशन हैं उस पे हम इन्फोर्समेंट करते हैं, हम फाइंस लगाते हैं ताकि उस फाइन के डर से जो है वो लोग वो प्रैक्टिस छोड़ दें। इसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको मैं इन्फोर्समेंट से पहले समझता हूँ, वो है एजुकेशन और अवेयरनेस। ठीक है, कि इन्फोर्समेंट करने से पहले इखलाकी तौर पे भी अगर देखा जाए कि आपको सबसे पहले एजुकेशन होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। तो उसमें ये है कि जब आप ड्राइविंग टेस्ट, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने आते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस के उस टेस्ट में हमने ये चीज़ें इनकॉर्पोरेट की हुई हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आपने जो टेस्ट पास करना है उसमें आपने ये सारी चीज़ें आपकी चेक होती हैं। उसके बाद उसमें हम क्लासेस भी देते हैं, हम अपने ट्रैफिक पुलिस में ड्राइविंग आपको जब लर्नर परमिट इशू करते हैं उसके बाद आपको क्लासेस देते हैं। इसके अलावा हम डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हम
अवेयरनेस प्रोग्राम्स करा रहे होते हैं, सेशंस कर रहे होते हैं। इवन रोड पे आपने देखा होगा हमारी एजुकेशन टीम जो है वो अक्सर किसी सिग्नल पे खड़े जो है वो रोड यूजर्स को एजुकेट कर रही होती है, उनको पैम्फलेट्स दे रही होती है, मटेरियल दे रही होती है, बता रही होती है और निशानदेही भी कर रही होती है कि आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई है, आप मोबाइल फ़ोन पर आप टेक्स्ट कर रहे हैं, ये चीज़ ख़तरनाक है। तो हम इन्फोर्समेंट और एजुकेशन दोनों साथ साथ चलाते हैं। अच्छा उमर, तीन चीज़ें हैं आपके अब तक की गुफ्तगू में से। सबसे पहले बताइए कि इस्लामाबाद में साल में कैजुअल्टीज़ कितनी होती हैं ट्रैफिक हादसा? कैजुअल्टीज़ मतलब डेथ्स की आप? हाँ, कैजुअल्टीज से मुराद चलो जख्मी, डेथ्स कितनी होती हैं? डेथ्स तकरीबन मोर लेस 100 के करीब जी, 100 के साल में जी। अब ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कहीं तो हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में ट्रैफिक या इस्लामाबाद जैसे शहर में ट्रैफिक इतनी ज़्यादा हो गई है कि आप जैम्स हैं, इसका मतलब है ट्रैफिक स्लो हो गई है, लेकिन अगर ट्रैफिक स्लो है और हादसा होता भी है तो डेथ तक बात नहीं और डेथ्स की तादाद भी आप देखें 100 इज नॉट अ स्मॉल नंबर उस लिहाज से देखा जाए कि इस्लामाबाद में तो छोटी छोटी सड़कें 5 मिनट में आप एक जगह से दूसरी जगह 10 मिनट में पहुंच जाते हैं और उसमें भी हादसा हो रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं, व्हाट इज द रीजन? इसका हमने जी एनालिसिस किया है उसमें यह है कि जो हमारे नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हैं वो तो हमारे रश वाले टाइम में ज्यादा होते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन वो छोटे एक्सीडेंट्स होते हैं और जो हमारे ज़्यादा फेटल एक्सीडेंट्स हैं जिसमें ज़्यादा किसी को इंजरी हो जाती है या डेथ हो जाती है वो हमारे जो नॉन रश आवर वाला टाइम है, जो हमारा वो अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग हो गया, लेट नाइट हो गया या बीच में, मतलब आपकी ये सुबह 11-12 बजे आपकी ट्रैफिक ईज आउट हो जाती है, फिर 2-3 बजे के बाद छुट्टी टाइम शुरू होता है, फिर वापस, क्योंकि जैसे आपने कहा कि हाँ जैसे आपने कहा जब सड़कें खाली होती हैं तो लोग उसको वो एक अपॉर्चुनिटी फॉर ओवर स्पीडिंग या रैश ड्राइविंग होती है। ये बताएं कि कोई आपको अंदाजा है कि इस्लामाबाद में इस वक्त जनरली सड़कों पर चलते हुए कितने लोगों के पास लाइसेंस नहीं है? इसमें अगर हमने अपना वैसे चालान का डेटा इसी हिसाब से जो देखा है तो उसमें तकरीबन 1.5 से 2% हमारा आ रहा है अनलाइसेंस्ड ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस। अच्छा, दिस इज नॉट बैड वैसे। हाँ जी, मतलब 1.5 से 2, मेरा ख्याल था बहुत ज्यादा लोग होंगे, इसका मतलब लाइसेंस बन जाए, लेकिन वो लाइसेंस छूट भी बड़ी आसानी से जाता है, 300-400 रुपए में देखे है ना जब चला। हाँ जी, ये हमारे क्योंकि वही जो हमारे फाइन्स के रेट्स हैं वो हैं पुराने, तकरीबन 20 साल पुराने हैं, तो फाइन तो बेसिकली फाइन का अमाउंट जो है वो एज डेटरेंट है कि आपको फाइन इतना होना चाहिए कि आप उससे डरें कि ये तो इतने पैसे देने पड़ेंगे तो आप इस वजह से वो वायलेशन ना करें। तो इस हवाले से हमने वो मूव किया हुआ एक प्रपोजल टू रिवाइज द फाइन्स, क्योंकि जो करंट वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से अगर देखें ताकि इतना हो कि वो थोड़ा पेंच हो बंदे को, हमारा मकसद तो ये है कि अगला बंदा जो है वो वायलेशन ना करे, इसीलिए हम इन्फोर्समेंट करते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो जिसका हम प्रोग्राम के आगाज में भी जिक्र कर रहे थे वो बताएं कि वो खबर ठीक है कि ये फाइन्स भी होंगे लेकिन साथ साथ वो पॉइंट सिस्टम की तरफ, जैसे यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज में होता है, हम पॉइंट सिस्टम पे जा रहे हैं, इज दिस ट्रू? जी, उसमें हमने बड़ा डिटेल्ड प्रपोजल बनाया हुआ है जो कि लेजिस्लेशन के लिए हमने गया हुआ है एंड वी आर होपफुल कि वो इंशाल्लाह 1-2 महीनों में वो थ्रू पार्लियामेंट, क्योंकि उसके लिए एक लॉ की अमेंडमेंट चाहिए होती है, तो वो इंशाल्लाह जब हो जाएगा उसमें हमने ये किया हुआ है कि हमने पॉइंट सिस्टम बनाया हुआ है कि हर वायलेशन जब भी, क्योंकि हमारा ई टिकट है, आपकी वायलेशन तो कंप्यूटर पर रिकॉर्ड हो रही है, तो हर वायलेशन पर आपके कुछ पॉइंट्स कटेंगे, छोटी वायलेशन पर 1 पॉइंट है, उससे बड़ी पे 2 हैं, ज़्यादा सीरियस वायलेशन पर 3 पॉइंट्स आपके कटते हैं, और जैसे ही आप 10 पॉइंट्स पर पहुँच जाते हैं 1 कैलेंडर ईयर, एक साल का हिसाब होगा, साल में अगर आपने 10 पॉइंट टच कर लिए हैं तो योर लाइसेंस गेट सस्पेंडेड फॉर 6 मंथ्स। अच्छा, फिर आप ड्राइव नहीं कर सकते, आपका लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा जी। ओके, और लेकिन फाइंस वाली चीज साथ साथ चलेगी? जी, दोनों हमने अमेंडमेंट के लिए भेजी हुई है क्योंकि दोनों के लिए हमें लॉ है तो वो लॉ में अमेंडमेंट की जरूरत होती है, और फाइंस वाला भी हमने रिवीजन ऑफ फाइंस का भेजा हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, जो हाईवे पे बेसिकली जो बहुत ज्यादा ओवर स्पीडिंग के हम देखते हैं सिनेरियो, बहुत सारे लोग वीडियो भी बना रहे होते हैं ड्राइविंग के थ्रू, अमूमन जो लोग होते हैं उन्हीं को वैसे पहले ब्लेम कर रहे होते हैं कि आप ड्राइव करते हुए क्यों मोबाइल का इस्तेमाल वैसे क्यों कर रहे हैं, लेकिन हाईवे पे ओवर स्पीडिंग को किस तरह से आप लोग अब केटर कर रहे हैं, इसको कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? देखिए, उसमें बेसिकली तो ये एक स्पीड कैमराज हैं हमारे, 10 स्पीड कैमराज हैं और वो इंशाल्लाह 5 इस टाइम ऑपरेशनल हैं और बाकी 5 भी विद इन द नेक्स्ट वीक हम ऑपरेशनल कर लेंगे। तो स्पीड कैमराज ये हैं जो कि एक तो आप वैसे मैनुअली भी देख रहे होते हैं कि कोई बंदा अगर ज़्यादा तेज़ चला रहा है या रैश ड्राइविंग कर रहा है उसको हम पकड़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये है कि हम स्पीड कैमराज का एक एक्सटेंसिवली और जितनी भी मेजर रोड्स हैं आपकी, इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे है, श्रीनगर हाईवे है, मार्गला रोड है, जिला एवेन्यू है, जो 4-5 बड़ी सड़कें हैं, तो इन पर इंशाल्लाह हम हर रोड पर 2-2 हमारे कैमराज वाली टीम्स होंगे
दोनों तरफ और वो ओवर स्पीडिंग को हम डिफरेंट पॉइंट्स पे सरप्राइज लगा के चेक करेंगे। गाड़ियों वाली कोई कहानी भी थी कि वो पुलिस की गाड़ी नहीं होती लेकिन बीच में आपके बंदे बैठे होते हैं, वो क्या कहानी? जी वो हमने इनिशिएटिव एक नया लिया अंडर कवर सर्वेलेंस का, क्योंकि होता ये है कि पुलिस की गाड़ी का लाइटों का प्रॉब्लम ये होता है कि आप दूर से जब देखते हैं कि पुलिस की गाड़ी है तो अगर आप ओवर स्पीडिंग कर भी रहे हैं आप ब्रेक लगा लेते हैं। तो उसके लिए हमने अपनी दो मेजर रोड्स पर इंट्रोड्यूस किया है, इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे और श्रीनगर हाईवे पे, कि हमारी अंडर कवर कार्स हैं जो कि अनमार्क्ड कार्स हैं, मतलब आपको नॉर्मल गाड़ी है, नॉर्मल गाड़ी की तरह होती है, उसके अंदर हमारा स्टाफ बैठा होता है और वो नोटिस कर रहा होता है कि जो बंदा, क्योंकि देखिए ये मूविंग वायलेशंस हैं जो हाईवे वाली जो आपने कहा ना उसको अदरवाइज डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। आप सिग्नल पर खड़ी गाड़ी को की वायलेशन तो पकड़ना आसान है, लेकिन एक गाड़ी जो मूव कर रही है पॉइंट ए से पॉइंट बी और वाइल ड्यूरिंग मूवमेंट वो जो कुछ वायलेशन कर रही है, लेन डिसिप्लिन वायलेट कर रही है, कुछ भी कर रही है, ओवर स्पीडिंग कर रही है, ओवर स्पीडिंग कर रही है, लेन चेंज कर रही है, तो वो डिटेक्ट करना पहले मुश्किल था। तो वो अंडरकवर सर्वेलेंस से ये है कि हमारी गाड़ियां बिटवीन द ट्रैफिक मूव कर रही होती हैं, नोट कर लेती हैं गाड़ियां, आगे वायरलेस करती हैं, आगे हमारे बंदे खड़े होते हैं। जी जी जी, और उसमें हमने काफी जी, मतलब सही वो हॉलीवुड की फिल्म की तरह बस कि गाड़ी प्राइवेट है और बीच में डिटेक्टिव बैठा हुआ है, और क्योंकि ये नया इनिशिएटिव है तो ये सोशल मीडिया पे भी बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा था अभी आजकल। जी 2-3 दिन पहले हमने एक बड़ा एक वो बस का बड़ा चला था, वो बहुत ज्यादा रैश ड्राइविंग कर रही थी ऑन द इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे, तो वो फिर पकड़ी थी इसी टीम की, उससे बाकी भी डेली बेसिस पे इनकी काफी अच्छी प्रोग्रेस। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में, उमर खान एसएसपी ट्रैफिक इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम थोड़ा सा ये बात करने की कोशिश करेंगे कि अब फ्यूचर क्या है, क्या आज से अभी ये हाल है तो आज से 10 साल बाद लाहौर के ट्रैफिक का क्या हाल होगा, कराची के, फैजलाबाद, इस्लामाबाद, सो क्या ये विजन अगले 50-25 साल वाला होता है या एडहॉक बेसिस पे चीज़ें होती चली जाती हैं? यानी सिटी ट्रैफिक क्या एक साइंस है, क्या एक आर्ट है, क्या ये एक पूरा एकेडमिक डिसिप्लिन है जिसको पढ़ा जाता है और जिसके माहिरीन होते हैं? इस हवाले से हम बात करेंगे, रही हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान, मैंने और सभी ने आज बुलवा रखा है उमर खान को, जो कि एसएसपी ट्रैफिक है इस्लामाबाद के, अभी हाल ही में इन्होंने ज्वाइन किया और इस्लामाबाद की ट्रैफिक के अंदर वैसे ही बहुत हलचल है, लेकिन इनके आने के बाद जरा और तरह की हलचल होगी कि वो ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो हमने सोचा कि इनको बुलाएं, लेकिन नॉट ओनली इस्लामाबाद बट ऑफकोर्स जितने भी बड़े शहर हैं उनके एक जैसे से ही चैलेंजेस हैं। अच्छा उमर, अभी आपने कुछ देर पहले जिक्र किया कि हम खुद भी ट्रेनिंग देते हैं ड्राइविंग की, वो क्या सिलसिला है और क्या खवातीन को के लिए खवातीन इंस्ट्रक्टर्स की फैसिलिटी है, या आप क्या रेकमेंड करेंगे अगर एक यंग बच्ची ने जिसका आईडी कार्ड बन गया है उसके 18 साल से ज़्यादा उम्र हो गई है, या यंग बच्चे ने ड्राइविंग करनी सीखनी है, दोस्तों यारों से सीखें, बड़े भाई से सीख लें, कज़न से सीख लें, प्राइवेट इंस्ट्रक्टर रखें, आपके पास आएँ, क्या करें? नहीं, हम उस तरह ड्राइविंग की ट्रेनिंग नहीं दे रहे जी, हम बेसिकली रोड सेफ्टी एजुकेशन कर रहे हैं, ठीक है। उसमें ये होता है कि हम एक हमारा क्लासरूम है जहाँ पे हम बताते हैं कि क्या अच्छी प्रैक्टिसेज हैं, और बेसिकली थ्योरेटिकल ट्रेनिंग जो है वो हम वहाँ पे दे रहे हैं अपने जो बंदा भी लर्नर लाइसेंस ले लेता है ना हमसे, उसके बाद 42 डेज टाइम होता है कि जिसमें उसने सीखना होता है और सीख के उसने फिर ड्राइविंग टेस्ट दे के पूरा लाइसेंस बनवाना होता है। जो उसका प्रैक्टिकल ड्राइविंग वाला ट्रेनिंग है वो तो उसके लिए प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल्स हैं, कुछ रजिस्टर्ड भी हैं, वो वहाँ से ले सकते हैं, और जो उसका वो वाला होता है रोड सेफ्टी वाली साइड होती है वो आप लोग देखते हैं, वो हम देते हैं, उसमें हमारी एजुकेशन की टीम है, उसमें हमारे मेल और फीमेल दोनों इंस्ट्रक्टर्स हैं, और वो जो है हमारे ट्रैफिक ऑफिस में ही ये क्लास होती है डेली आफ्टरनून में। अच्छा जी, तो आते हैं लोग? जी जी बिल्कुल लोग आते हैं। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ एक तो ये है कि जिन लोगों ने ये लर्नर लाइसेंस बनवाया होता है ये आते हैं, इसके अलावा जो लोग रोड पे कोई हम पकड़ते हैं कोई रैश ड्राइविंग वगैरह करते हुए उनकी भी हम कंपलसरी क्लासेस भी लगवाते हैं। अच्छा जी, अच्छा, तो उनको भी आना पड़ता है। और अगर कोई पकड़ा गया और उसका पास लाइसेंस नहीं है, उसने कोई गलती की है, इशारा तोड़ा है, आपके कॉलीग ने रोक लिया, लाइसेंस दिखाओ, लाइसेंस नहीं है, तो उसको फिर डबल जुर्माना होता है लाइसेंस ना होने का भी और उस गलती का भी, और वो हाउ डज इट वर्क? जी, लाइसेंस ना होना एक अलहदा से एक वायलेशन है जिसका अपना फाइन है, और साथ ही अगर उसने इशारा तोड़ा है तो इशारा तोड़ने का अपना है, तो वो एक ही टिकट में 2-3 जितने भी वायलेशंस आपने की हो वो सारी ऐड हो जाती हैं। तो जब पॉइंट्स सिस्टम आ जाएगा तो उसने अगर वायलेशन की और उसका लाइसेंस ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे?
पॉइंट्स किस पे काटेंगे, उसका तो लाइसेंस ही नहीं, उसका पहले से फिर नोट हो जाएगा, जब आगे उसका लाइसेंस इशू होगा उसमें उसके लिए वो पहले से पॉइंट कट जाएगा उसका, पहले से। लेकिन फिर मेरा ख्याल है कि असल जो मुझे उम्र की बात से सभी जो चीज जिस तरफ मैं जाना चाह रहा हूँ वो ये कि मतलब लाइसेंस बनना इंश्योर करना बहुत जरूरी है, और ये आप लोगों के लिए भी जरूरी है और एथिकली आवाम के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपना लाइसेंस बनवाएं। ये जो होता है ना जी, कुछ नहीं होता और चल जाता है, देख लेंगे कर लेंगे। आप पहली बात ये इससे बात कर लें। हाँ एग्जैक्टली, वो भी जरा बताएं कि वो एक्सपीरियंस कैसे होता है कि जब रोकता है पुलिस वाला तो, और आप पहले तो आगे से फर्स्ट स्टेप ही होता है कि आप जरा आर्ग्यू करने की कोशिश करते हैं, और नहीं जी नहीं मैं इधर से आ रहा था उधर से आ रहा था, बिल्कुल ठीक है, लाल नहीं था पीला था, हो गया था। फिर दूसरा होता है अगर वो चालान करने लगे तो वो थोड़ा बात गर्मा गर्मी पे आती है, और तीसरा होता है कि फोन निकाला और जनाब वो उमर खान को फोन किया, ये ले इनसे बात करें। हाउ डू यू हैंडल दिस और इस पे SOPs क्या है? जी अनफॉर्चुनेटली ये जो बातें आपने की बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले आर्ग्यू करने वाला बहुत ज्यादा हमें प्रॉब्लम आ रहा है कि फिर हमें ये तो अब अच्छा है जगह जगह कैमराज लग गए हैं, इवन हमारी सेफ सिटी है, टाइम्स पर बाद में दिखाना पड़ता है कि ये देखें वीडियो एविडेंस, फिर हमें बताना पड़ता है। अच्छा। हमने तो खैर ये भी अब SOP बनाई है कि जिस बंदे को रोको और आपको लग रहा हो कि ये बंदा कोई आपके साथ फजूल आर्ग्यू करेगा, बाद में आप पे एलिगेशन लगाएगा, पुलिस वालों को बदतमीजी करेगा, कि उधर ही वीडियो बना लें। उसके खैर दो फायदे हैं, एक ये है कि वो पुलिस वाले पे भी चेक हो जाता है, क्योंकि जाहिर है हम ये भी नहीं चाहते आवाम की इज्जत नफ्स मजरूह हो किसी पुलिस वाले के हाथ या हाई हैंडेडनेस हो पुलिस की तरफ से। तो उसमें हमने यही कहा हुआ है कि फ़ौरन वीडियो बनाएं ताकि बाद में इंक्वायरी हो तो हमें फैसला करना आसान हो जाए कि क्या बंदे ने ज्यादती की है या पुलिस वाले ने कोई एक्स्ट्रा बात की है। तो ट्रैफिक पुलिस को बेसिकली अलाउड है कि वो वीडियो बना सकता है विदाउट कंसेंट, क्योंकि एक्चुअली बहुत सारे ऐसे केसेस सोशल मीडिया पे, मैं एक बेसिक क्वेश्चन क्योंकि करना चाह रही हूँ सिर्फ, कि बहुत सारी ऐसी वीडियोस जब आती हैं तो उस पर क्रिटिसाइज भी बहुत ज़्यादा किया जाता है कि आपने विदाउट कॉन्सेंट जो है वो वीडियो बना दिया, और लोगों को इस बात का इल्म नहीं होता कि एक्चुअली विदाउट कॉन्सेंट वीडियो बनाना ट्रैफिक पुलिस को अलाउड है। देखिए अलाउड इस तरह है ना जी कि विदाउट कॉन्सेंट उसको हम कहीं पे शेयर करें तो वो गलत है, या वो कहीं पे सोशल मीडिया पे लीक हो जाए तो वो गलत है, लेकिन हम अपने रिकॉर्ड के लिए अगर एक बंदे के साथ हम डील कर रहे हैं, देखें आप किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी चले जाते हैं, आप बैंक में चले जाते हैं, आप जब उनके साथ आप उधर वो टेल पे खड़े हैं और आप अपना वो कर रहे हैं, तो सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है, लेकिन जाहिर है प्राइवेसी लोगों की हम बिल्कुल उसका हम ऑनर करते हैं, वो हमारे पास सिर्फ इस हद तक रिकॉर्ड में रहती है और कुछ दिन के लिए रहती है कि अगर उस बंदे ने विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज कोई हमारे बंदे के खिलाफ कंप्लेंट कर ली तो हमारे बंदे के पास एक एविडेंस होना चाहिए कि नहीं जी जैसे ये कह रहे हैं ऐसे नहीं, ये ऐसे हुआ था, या हमारे लिए भी फैसला करना आसान हो जाए, क्योंकि हमने अपने बंदों को भी तो कंट्रोल करना होता है, उनका डिसिप्लिन वो भी हमने इंश्योर करना होता है कि हम एनी टाइम मंगवा सकें, बिल्कुल, कि मेरे बंदे पे भी चेक हो कि यार वीडियो दिखाओ। एग्जैक्टली। अच्छा मैंने अभी आते जाते देखा है कि वो जो आपका यूनिट खड़ा होता है कभी सड़क के किनारे उस पर खवातीन भी हैं जी, उसके बारे में बताइए कि इस वक्त खवातीन की क्या इंडक्शन की सूरत हाल है, और जनरली सर नफरी पे बताइए कि अब शहर तो बढ़ता जा रहा है, पहले F10 के बाद इधर कश्मीर हाईवे पे इस्लामाबाद खत्म हो जाता था, लेकिन अब तो आप देखें कहां तक इस्लामाबाद जाके उधर GT रोड से मिल गया, तो वो क्या वही नफरी स्प्रिंकल आउट और थिन आउट होती जा रही है? कितने लोग हैं इस वक्त इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस में? लोग तकरीबन 650 के करीब हैं जी। 600 जी, 600 से थोड़े ऊपर, 600 सिर्फ, ये तो बहुत कम है। बस हाँ ये एक चैलेंज होता है जी, क्योंकि जाहिर है जैसे आपने कहा कि 600 एक्टिव हैं सड़क ऑन ड्यूटी या 600 की नफरी है, उसमें से छुट्टी भी लोग जाते होंगे, बीमार भी होते होंगे कोई, बाकी हमारा लाइसेंसिंग वाला स्टाफ जो हमारे ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, जाहिर है पीछे बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन भी होती है, वर्किंग फोर्स तो मेरे ख्याल 400-500 ही रह जाते हैं। हाँ जी अराउंड कह लें 500 के करीब ऑन रोड्स जो होते हैं। डू यू थिंक इट्स सफिशिएंट? नहीं, क्योंकि जितनी तेजी से शहर ने एक्सपैंड किया है, हमारे तकरीबन इस टाइम इस्लामाबाद में 506 डिफरेंट पॉइंट्स हैं जहाँ पे नफरी लगनी चाहिए, मतलब एक टाइम पे 506 सिर्फ पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमारी ड्यूटी होनी चाहिए ट्रैफिक की, वो चाहे कोई चौक, हाँ चाहे 506 स्पॉट्स जो हमने आइडेंटिफाई किए जहाँ पे पुलिस वाले होने चाहिए, ठीक है, हर शिफ्ट में। तो उस हिसाब से जाहिर है हमारी नफरी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है इसको प्रॉपरली रेगुलेट करने के लिए। खवातीन वाला एलिमेंट, खवातीन हमारी इस्लामाबाद पुलिस की वर्कफोर्स में एक अच्छा ऑलमोस्ट 5% का शेयर है फीमेल पुलिस ऑफिसर्स का, और उसमें हमारा ट्रैफिक में जो रेशियो ऑफ फीमेल है वो थोड़ा इससे भी ज़्यादा है, जो हमारे नॉर्मल इस्लामाबाद पुलिस का एवरेज है उससे ज़्यादा है। और दूसरा ट्रैफिक में एक ये अच्छी चीज़ है कि हमने ख़वातीन को किसी एक शोबे में रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ। आप हमारे ऑफिस आएँ या फील्ड में देखें तो ट्रैफिक में फ़ीमेल एहलकार जो हैं वो हर शोबे में काम कर रही हैं, लाइसेंसिंग में कर रही हैं, ड्राइविंग टेस्ट ले रही हैं,
वो एजुकेशन टीम में हमारी 50% ख्वातीन हैं, 50% मेल हैं। उसके बाद इवन रोड्स पे एनफोर्समेंट टीम्स में भी हमने ख्वातीन लगाई हैं। आपकी एक डीएसपी भी डीएसपी ट्रैफिक एएसपी ट्रैफिक है हमारी जी, एएसपी ट्रैफिक। अच्छा अब हम एक छोटे से ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे उमर तो थोड़ा सा हम वो जो पिछले ब्रेक से पहले हमने बात की थी वो पॉइंट अभी रह गया है और वो है कि वेयर डू यू सी दिस गोइंग आफ्टर 25 years, आफ्टर 10 years, 10 साल के बाद भी हम इसी तरह के उस वक्त शहर और बढ़ चुका होगा, नफरी बढ़ भी जाए लेकिन चैलेंजेस बढ़ चुके होंगे, तो इसका विजनरी प्लान कोई बनाता है या आज से 25 साल बाद की भी बैठ के कंट्रोल रूम सेल के अंदर डिस्कशंस मैप्स के साथ हो रही होती हैं या ये एड हॉक सिस्टम होता है? ये पॉइंट अभी रह गया है, इसको दोबारा से चेकअप करेंगे इस ब्रेक के बाद। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे उमर साहब से, एसएसपी इस्लामाबाद। उमर साहब, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल जो कि जिसके लिए मेरे ख्याल में अब एक आउटकम की तरफ हम बढ़ते हैं, मसाइल की हमने बात की उसके साथ साथ, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद आप क्या सूरत हाल देखते हैं इस्लामाबाद की ट्रैफिक का, कि क्या कंडीशन होगी? देखिए मैं तो इसमें वैसे ऑप्टिमिस्टिक हूँ और होपफुल हूँ। उसकी वजह यह है कि जो ट्रैफिक की प्लानिंग है ना वो डायरेक्टली लिंक्ड है विद अर्बन प्लानिंग। अब पिछले 20-25 साल में इस्लामाबाद में जो डेवलपमेंट हुई है वो हुई है थोड़ी, आप देख सकते हैं कि बहुत तेज़ी से हुई है और वो उसमें कुछ अनप्लान्ड डेवलपमेंट भी हुई है। लेकिन आगे अगले 20 साल में अगर आप मेरे से पूछें तो अब चीज़ें काफ़ी बेहतर हो गई हैं। मतलब अब उस तरह की जो पहले हो रही थी कि बस वो खाली जगह देखी लोगों ने और उधर घर बना दिए और इस्लाम्स डेवलप हो गए, अब जो है वो नहीं हो रहा, वो चीज़ रुक गई है, वो सिलसिला रुक गया। और जो पहले हो चुकी है डेवलपमेंट उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग वाली चेंजेस हैं वो अब आ रही हैं। देखें अब डिफरेंट जगहों पे आपकी ये एक्सप्रेसवे पूरी 5 लेन बन गई है, अब ये पॉपुलेशन तो ऑलरेडी है, अब उनके लिए वो 5 लेन एक्सप्रेसवे बन गई है, अब उस पर जगह जगह इंटरचेंजेस बन रहे हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं। आप इस्लामाबाद के अंदर देखें हमारा 7th Avenue पर फ्लाईओवर बन रहा है, रावल डैम चौक पर फ्लाईओवर बन रहा है। तो ये सारे जब हमारी फ्लाईओवर्स इंटरचेंजेस बन जाएंगे, डिफरेंट जगह पे हमारी रोड्स बेहतर हो जाएंगी, रोड्स ज़्यादा चौड़ी हो रही हैं, IJP रोड हमारी एक्सपैंड हो रही है, तो ये इंशाल्लाह हमारा ट्रैफिक फ्लो स्मूथ हो जाएगा। IJP रोड तो 117 लेन दी भी बढ़ा दे उन्हें तो सी वो ऐसी ही रहेगी, उसका ट्रैफिक नहीं कम होता, उधर पता नहीं क्यों इतनी रश हो रही है, कहां से आ जाते हैं अभी ट्रैफिक का? जाहिर है क्योंकि वही वाली बात है, पॉपुलेशन अब इस्लामाबाद पिंडी की बढ़ गई और पूरे इस्लामाबाद पिंडी को, मतलब जो आपकी अगर वो है जो आपकी ट्रांसपोर्ट है, लोगों ने अपने घरों को जाना होता है, वो सारी पीर विधाई पे अड्डे हैं। उसके बाद जो हमारी सब्जी मंडी में आ रहा होता है सारा आपका डेली फ्रूट और सब्जी जो आ रही है, वो ट्रक्स भी IJP रोड से ही वो फ्रूट मंडी सब्जी मंडी जा रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह अब बेहतर है। और दूसरी बात ये, अब बेहतर हो जाएगा। दूसरी बात ये कि इस्लामाबाद ने जितना एक्सपैंड करना था मैं समझता हूँ वो कर भी लिया। इस्लामाबाद की जो बाउंड्री है वहाँ तक तो पहुँच गई है आपकी डेवलपमेंट, मतलब इधर से GT रोड तक पहुँच गई है, उधर से रवात तक पहुँच गई और इधर से बारकरू तक पहुँच गई। तो मजीद तो इसमें बहुत ज़्यादा अब रूम फॉर मजीद एक्सपेंशन है भी नहीं है, जो हो चुकी है उसके लिए यहाँ पर फ्लाईओवर्स वगैरह बन रहे हैं, तो इंशाल्लाह अगले कुछ सालों में बहुत बेहतर हो जाएगा। उमर, आखिर में 2-3 मिनट में ज़रूर आपसे बात करना चाहूँगा। यू आर एन इस्लू बॉय, आप इसी शहर के नौजवान, इसी जिन्ना सुपर में एज अ टीनेजर, इसी इस्लामाबाद के, कैसी फीलिंग होती है कि वही जगह, कभी सोचा था कि इसी शहर का SSP ट्रैफिक, वही ट्रैफिक जिसके अंदर हम गड़बड़े किया करते थे उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी? सच बिल्कुल उस तरह प्लान या सोचा तो नहीं था, लेकिन हाँ जी अच्छा, मतलब अच्छा भी फील होता है और थोड़ा कभी कभी अजीब सा भी फील होता है। कैसे आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपने CSS कब किया, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मेरा MBA है, एजुकेशनल जो मेरी डिग्री है वो MBA है काज़ी आज़म यूनिवर्सिटी से, और CSS मैंने 2012 में किया था जी। अच्छा हाँ जी, और स्कूलिंग मेरी इस्लामाबाद से ही थी। फर्स्ट चॉइस क्या रखी थी CSS पे? फर्स्ट मेरी पुलिस थी और अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ही। अच्छा, पुलिस ही चूज किया था, व्हाई? मतलब यूनिफॉर्म का? हाँ, एक यूनिफॉर्म का था, अभी भी है लेकिन उस टाइम खैर बहुत ज़्यादा था। Okay. और उसका साथ साथ ये होता है पब्लिक सर्विस, आप ज़्यादा डायरेक्टली कर रहे होते हो पुलिस में, डायरेक्टली आप इंटरेक्ट कर रहे होते हो लोगों से, जो उनके मसाइल होते हैं वो आप ऑन द स्पॉट थोड़े बहुत हर रिजॉल्व जितने आप कर सकते हैं वो करने की आप पोजीशन में होते हो, तो उसकी एक फील अच्छी होती है। लेकिन उसके साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है ना, कि उसको फुलफिल करना। पोजीशन कौन सी थी? मेरी 14th थी। 14th पूरे पाकिस्तान में 14th पोजीशन, माशाल्लाह। अच्छा, आखिर में क्विकली, सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है जो कॉल तंग करती होगी
लाइसेंस बनवा दियो, लाइसेंस रिन्यू करा दियो, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या इतना मुश्किल काम है कि आपको सिफारिशें करानी पड़ती है, खुद जाके लाइसेंस नहीं मिलता? वैसे तो तकरीबन अगर आप आए तो टाइम उतना ही लगता है सिफारिश के साथ भी और सिफारिश के बगैर भी, क्योंकि सिफारिश वाले को भी हम पूरा उसी तरह सारा टेस्ट टेस्ट सारा उससे उसी तरह लेते हैं, तो फायदा कोई नहीं होता सिफारिश का, लेकिन फिर भी लोगों को शौक होता है सिफारिश करने का। लेकिन कहा हम डिस्करेज ही करते हैं, जिस हद तक डिस्करेज ही करते हैं, और फिर वो पूरा ड्रिल उसी तरह उनसे करवाते हैं। अच्छा, सिफारिश का मतलब ये नहीं कि घर आपका लाइसेंस पहुंच जाएगा? नहीं नहीं, उसी तरह आपकी डेटा एंट्री होगी, उसी तरह जो है आपका लर्निंग पीरियड होगा, लर्निंग पीरियड के बाद उसी तरह आप ड्राइविंग टेस्ट देंगे, टेस्ट में आप उसी तरह फेल होंगे अगर आपसे परमिट हो गई तो। इसलिए असल सवाल ये था कि टेस्ट क्यों नहीं पास होता वो? और टेस्ट पे हम टेस्ट पे भी हम वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं ताकि टू इंश्योर कि कोई बंदा बगैर टेस्ट के ना उसका लाइसेंस बन जाए। हर टेस्ट इज रिकॉर्डेड थ्रू वीडियो। राइट राइट राइट। और टेस्ट होता जाते जाते एक छोटा सा सवाल, जल्दी से ये क्यों कहा जाता है कि लड़कियां अच्छी ड्राइवर नहीं होती? नहीं, हमारे सामने तो कभी अभी तक ऐसी कोई चीज नहीं आई है, ऐसी कोई चीज नहीं। लेकिन फिर भी मैं डेटा देख लूंगा कि लड़कियां कितनी फेल होती हैं टेस्ट में और लड़के है ना, ये आपने हमें डेटा बता रहा है, डेटा इसका हम इंतजार करेंगे। ग्रेट उमर, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। हमें अब आपसे इजाजत चाहिए राइजिंग पाकिस्तान में, मुझे और सबीन को दीजिए इजाजत, जिंदगी रही, फिर मिलेंगे, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।